जल्द ही मराठी इंडस्ट्री में अजय सूर्यवंशी प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही एक और मराठी फिल्म भगवा, जिसका इंदौर में पूजनीय भय्यू जी महाराज के हाथों शुभ मुहूर्त किया गया, जहां इस फिल्म के डायरेक्टर विजय पाटकर, निर्माता चंद्रशेखर शेट्टी, अजय सूर्यवंशी और लेखक कैलाश पवार मौजूद थे। इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी युवा और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। अभी फिलहाल इस फिल्म के स्टार कास्ट तय नहीं हुए हैं। ये मतलब थोड़ी फैंटेसी पॉलिटिकल ऐसी फिल्म है जो मतलब आज तक मराठी में आई नहीं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसमें बहुत ही और किरदार है, एक्टर है, लेकिन मुझे किसका क्या बज रहा है भैया? ओके, तो एक की रोल है, बहुत एक अच्छा रोल है जो सयाजी के लिए मैं सोच रहा हूँ। अभी देख हमारी ये जो फिल्म है वो राइटिंग प्रोसेस में है, अभी बहुत कुछ तय होना है। ये हमने आज मुहूर्त यहाँ के इंदौर में की इसलिए करे कि आज भय्यू जी को, भय्यू महाराज का हमें आशीर्वाद मिला, उन्होंने बोला कि आज दिन अच्छा है, दिवाली का पहला दिन है आज, तो मुहूर्त क्यों ना करें। तो उनकी तो बात हम टाल नहीं सकते, इतनी बड़ी हस्ती हमें यहाँ बुला के मुहूर्त करना चाहती है, हमारी फिल्म को आशीर्वाद देना चाहती है। तो हमारी फिल्म जो राइटिंग प्रोसेस में होने के बावजूद भी हमें आशीर्वाद मिले, भय्यू जी का आशीर्वाद मिले, इसलिए हमने ये फिल्म का मुहूर्त यहाँ करने का सोचा। भगवा एक युवा क्रांति, भगवा एक युवा क्रांति, इसमें सब्जेक्ट तो क्लियर है कि क्रांति है, भगवा है, त्याग है। और विजय पाटकर जी हमारा डायरेक्टर है, उन्होंने बताया अभी कि जो एक थॉट है उसमें, वो थॉट एक बड़ा थॉट हमारे देवत जो है शिवाजी महाराज के रूप में अगर आता है कॉमन मैन में, अगर उसके ब्लड में आता है तो कैसा हो सकता है। बजट के बारे में धीरे धीरे पता चलेगा, आप राइटिंग प्रोसेस में है। हमारा आज दिवाली का ये भय्यू महाराज का आशीर्वाद लेके हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, मतलब आज मुहूर्त है, बाकी धीरे धीरे काम और बढ़ते जाएगा। म्हणजे पवित्रतेचं प्रतीक, चारित्र्याचं प्रतीक, स्वराज्याचं प्रतीक। खरं स्वराज्य घडवणारे कोण आणि खरं स्वराज्य आणणारे कोण? तर युवा शक्ती। आणि ह्याच युवाला जर शब्दाला, ह्या युवा शब्दाला जर आपण पलटून पाहिला, जर आपण उलटलं तर वायू तयार होते। जर वायू प्रदूषित असेल तर राष्ट्र, समाज आणि मानवतेचं पूर्ण आरोग्य बिघडून टाकते। पण हीच वायू जर स्वस्थ असेल तर आपलं आरोग्य, राष्ट्र, समाज आणि मानवतेचं आरोग्य उत्तम राहतो। खरं म्हटलं या देशाचा तरुण कसा असायला पाहिजे? ह्या देशाचा तरुण एक भगव्याच्या रूपात असायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये स्वराज्याची संकल्पना असताना पावित्र्यता आणि चारित्र्याच्या माध्यमातून कर्तव्याचा पुरुषार्थ असायला पाहिजे हे सांगणारा तत्व छत्रपती शिवरायांच्या वर सध्याच्या परिस्थितीवर आदर्श कसं असावं आणि युवकांनी कसे आदर्शांचं अनुकरण करावं हे सांगणारी शक्ती म्हणजे भगवा आहे।